हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो अभी करें, और उसके साथ नोटिफिकेशन बेल पर भी आप एक बार टैप कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपको नोटिफाई होता जाएगा। अगले वीडियो में आप सभी को स्वागत है। एंड आज के वीडियो में जैसे कि आपको टाइटल से पता चला होगा कि Vivo V11 Pro का हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एंड उसके साथ इसका फर्स्ट बूट भी करेंगे। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं Vivo V11 Pro बहुत ही खूबसूरत मोबाइल है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें सबसे खासियत टू फीचर्स है, एक है कि इसका डिस्प्ले विच इज़ 6.41 इंच स्क्रीन, यानी कि आपको बिल्कुल बेजल ही नहीं इसमें, जस्ट स्क्रीन ही स्क्रीन रियल एस्टेट आपको मिलेगा इस मोबाइल पर। बिहाइंड द मोबाइल इटसेल्फ बहुत ही ब्यूटीफुल बनाया है Vivo V11 ने। एंड जैसे कि आपको पता है Vivo V9 का बहुत सारे ऐसे रिलेटेड वीडियोस बनाया हूँ, अगर आपने देखा होगा तो अभी आप अगर परचेस कर रहे हैं Vivo V11 Pro तो बहुत ही सीरियसली कंसिडर कीजिए, बहुत ही बिल्कुल ब्यूटीफुल फ़ोन है। एंड यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा वाटर ड्रॉप नॉच, यानी कि जो बैक साइड सेंसर्स थे वो सारे अप साइड मूव कर दिए हैं, एंड इवन स्पीकर ग्रिल भी ऊपर चला गया है अभी, यानी आपको सिर्फ स्क्रीन रियल एस्टेट ही है। एंड उसके साथ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, जी हाँ, अभी यूजुअली हम बैक साइड द मोबाइल था फिंगरप्रिंट स्कैनर वहाँ से अनलॉक करते थे, लेकिन इस मोबाइल में इन्होंने क्या किया है कि ऑन द डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल रहा है। उसके साथ ये जो ब्यूटीफुल डिस्प्ले आपको दिख रहा है 6.41 इंच का, वो सुपर एमोलेड है, यानी कि सैमसंग का बनाया हुआ पैनल है। तो बहुत ही खूबसूरत डिस्प्ले, अगर आप पकड़ के अपने फ्रेंड्स के साथ दिखाएंगे और मोबाइल्स को कंपेयर करेंगे तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा, आप ज़रूर ट्राई करके देखिए। एंड उसके साथ यहाँ पर ड्यूल पिक्सल का कैमरा है ऑब्वियसली विथ फेस डिटेक्ट ऑटो फोकस, यानी कि फोकसिंग सिस्टम भी बहुत ही बढ़िया है। एंड अलॉन्ग विद दैट फ्रंट में 25 मेगापिक्सल का f2.0 अपर्चर वाला कैमरा है। तो बिल्कुल इन्होंने सारा कवर कर लिया है। अगर आप विद इन 25,000 रुपीज़ मोबाइल देख रहे हैं तो Vivo V11 Pro एक सुपर मोबाइल हो सकता है। हम इसको ऑब्वियसली Oppo F9 Pro एंड ऑल द अदर डिवाइसेस जो सैमसंग का नया A7 लॉन्च हुआ है विद ट्रिपल कैमरा उसके साथ कंपेयर करूँगा। तो इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करके फर्स्ट बूट करेंगे। अगर आपने नया मोबाइल लिया है, फर्स्ट बूट कैसे करें पता नहीं, तो इस वीडियो आपको ज़रूर हेल्प करेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए देखते हैं Vivo V11 Pro का अनबॉक्सिंग एज वेल एज फर्स्ट बूट। तो ये है पहला सेटअप स्क्रीन जो कि इनका फन टच ओएस है बेस्ड ऑन एंड्रॉयड वेलकम। तो सेटअप योर फ़ोन, इसके ऊपर जस्ट टैप करना है एक बार एंड यहाँ से लैंग्वेज चॉइस करना है। पहले तो सबसे पहले ऑब्वियसली आपका फ़ोन जिस लैंग्वेज में होना चाहिए उस लैंग्वेज को यहाँ से अभी से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जस्ट डेमॉन्स्ट्रेशन पर्पज़ के लिए मैं इंग्लिश चॉइस कर रहा हूँ। उसके बाद इंडिया करके रीजन आएगा, तो रीजन पर टैप करें एंड यहाँ पर अग्री करना है इनके टर्म्स एंड अग्रीमेंट्स को। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं सेट नेटवर्क करके हैं, तो अगर आपके घर में इंटरनेट का है कनेक्शन तो बिल्कुल आप वाईफाई को यहीं से कनेक्ट कर दीजिए, अदरवाइज़ आप स्किप भी कर सकते हैं। तो अब फिलहाल हम स्किप करेंगे एंड यहाँ पर गूगल सर्विसेज, अगर आपको गूगल अकाउंट है तो ऑब्वियसली आप यहीं से साइन इन कर दीजिए ताकि जो भी आपके अकाउंट का इंफॉर्मेशन होता है रिलेटेड वो सारा यहाँ पर सिंक हो जाएगा। एंड यहाँ पर देखिए हेल्प ऐप्स फाइंड लोकेशन, फ़िलहाल हम इसको डिसेबल कर देंगे क्योंकि अगर आप इनेबल करेंगे तो कुछ ना कुछ बैटरी खाए गए, तो इसलिए सबसे पहले हम इसको डिसेबल करेंगे एंड उसके बाद नेक्स्ट पर टैप करना है। सेट टाइम एंड डेट, क्योंकि मैंने वाईफाई को कनेक्ट नहीं किया है। एंड इवन अगर आप सिम कार्ड डालना चाहते हैं तो यहाँ से जो सिम इजेक्टर टूल का किट दिया रहता है बॉक्स में, तो उसको यूज़ करके आप जस्ट यहाँ से निकाल के सिम कार्ड पेपर। एंड उसके बाद सेट टाइम एंड डेट यहाँ पर है तो आप सेट कर सकते हैं। सेट करने के बाद नेक्स्ट पर टैप करना है एंड यहाँ से फिंगरप्रिंट फेस एंड पासवर्ड। तो देखिए इसमें फिंगरप्रिंट सामने है बिल्कुल पीछे नहीं, तो इसके लिए अभी हम पहले लॉक स्क्रीन पासवर्ड सेट करना पड़ता है, जैसे कि कोई भी आपका पासवर्ड हो या फिर पैटर्न। तो फिलहाल हम एक जस्ट नॉर्मल सा पैटर्न देंगे डेमॉन्स्ट्रेशन के लिए, आप अपना कोई भी कॉम्प्लेक्स पैटर्न हो वो बना सकते हैं। यहाँ से वो क्वेश्चन पूछेगा, दो सिक्योरिटी क्वेश्चन, इसको बिल्कुल याद रखना है आप। एंड अगर आपको एक क्वेश्चन पसंद नहीं तो यहाँ से आप सेलेक्ट करके दूसरा कस्टम क्वेश्चन भी आप बना सकते हैं एंड उसके साथ डिफ़ॉल्ट इतने सारे क्वेश्चंस हैं, तो यहीं से एक किसी क्वेश्चन को आंसर दे दीजिए जो कि आप रिमेंबर कर सकें। ABCD जस्ट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज़, EFGH
एंड ये देने के बाद डन पर टैप करना है। यहाँ से ओके टैप करेंगे तो अभी फेशियल रिकॉग्निशन के लिए पूछेगा। ओके टैप करके हम हमारा फेस दिखाएंगे इसको, तो जस्ट ऐसे फेस रिकग्नाइज होके 100% रजिस्ट्रेशन इज़ कम्प्लीट। तो कंटिन्यू पर टैप करना है। यहाँ से जैसे हमने पासवर्ड का पैटर्न दिया था वहीं पैटर्न से अनलॉक करेंगे। तो अभी रजिस्टर है फिंगरप्रिंट, तो फिंगरप्रिंट रजिस्टर करने के लिए अपना कोई भी कंफर्टेबल फिंगर से आप अनलॉक करते हो, उसको जस्ट ऐसे टैप करते जाए। देखिए बहुत ही बढ़िया एनिमेटेड जो एम्बियंट लाइट कहते हैं वो दिया है यहाँ पर। जैसे ही आप टैप करते हैं तो यहाँ पर पता चलेगा। एंड यहाँ से आप बिल्कुल एडजस्ट पर ठीक से टैप करते जाना है, तो रजिस्टर्ड सक्सेसफुली ऐसे करके मैसेज आएगा एंड उसके बाद डन। यहाँ से वीवो का इनका जॉइन द यूज़र एक्सपीरियंस प्रोग्राम ये सब डिसेबल कर दीजिएगा, बाद में भी आप जॉइन हो सकते हैं। ये दोनों एनेबल करना है, अलाउ द सिस्टम टू यूज़ द परमिशन एंड उसके साथ स्मार्ट अपग्रेड, उसके बाद नेक्स्ट। यहाँ पर इंपोर्ट डेटा, अगर आपके पुराने मोबाइल में कुछ डेटा सा यहाँ पर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो इंपोर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज फ्रेश स्टार्ट करने के लिए स्किप। तो कंग्रेचुलेशंस, योर फोन हैज़ बीन सेटअप। तो यूज़ नाउ करके टैप कर दीजिए। ये रहा गॉर्जियस लुकिंग वीवो V11 प्रो। तो ये है होम स्क्रीन सबसे पहले इस चैनल पर। तो टर्न ऑन नाउ करेंगे तो स्मार्ट लॉन्चर है यहाँ पर, बिल्कुल शॉर्टकट्स रहेगा, कैलकुलेटर, रिकॉर्डर हो स्क्रीन का, या फिर ईजी शेयर, स्पेस क्लीनअप, ऐसे आप इवन नोट्स भी बना सकते हैं अपना। तो बहुत ही बढ़िया ब्यूटीफुल वॉलपेपर इन्होंने दिया है, वैसे ही बहुत ही फ्लूइड परफॉर्मेंस आनी चाहिए। एंड जैसे कि आपने नोटिस किया होगा अभी ये है एमोलेड स्क्रीन, तो बहुत ही ब्यूटीफुल डिस्प्ले आपको वीवो V11 प्रो में मिलता है। जल्दी से सेटिंग्स पर जाएंगे एंड अबाउट फ़ोन देखेंगे यहाँ पर, मोर सेटिंग्स एंड यहाँ से अबाउट फ़ोन। तो देखिए एंड्रॉयड वर्जन 8.1 है, उसके साथ 6GB का रैम ऑब्वियसली, एंड इसमें स्नैपड्रैगन का 660 चिपसेट है विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी विच इज़ रियली ऑसम। तो फन टच ओएस 4.5 वर्शन अभी शायद अपडेट आया होगा, अगर आप इंटरनेट को कनेक्ट किए हो तो बिल्कुल अपडेट कर दीजिए। अपडेट करने के लिए सिस्टम अपडेट करके अलग से है यहाँ, तो यहाँ से आप बिल्कुल इसको एक बार अपडेट करना है। एंड उसके बाद जल्दी से कैमरा देखेंगे कैसा है इसका कैमरा। देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल कैमरा यूज़र इंटरफेस, सारे फीचर्स देते हैं ऑब्वियसली वीवो V11 प्रो में। तो अच्छी तरह से हम इसको टेस्ट करेंगे बिल्कुल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए प्रोफेशनल मूड है बिल्कुल, जैसे चाहिए वैसे आप सेटअप कर सकते हैं इस ब्यूटीफुल फ़ोन को एंड ऑसम सब पिक्चर्स कैप्चर कर सकते हैं। फुल कैमरा सेटिंग्स इन डिटेल इन डेप्थ रिव्यू दूंगा मैं, तो बने रहिए इस चैनल पर, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना बाय बाय।